तेरी औकात नहीं है भारत से टकराने की, हर भारतीय दम रखता तुझे एक मुक्के में मार गिराने की। जी हाँ, नमस्कार जोहार, आज मैं बात करूंगा उस महान अमर शहीद गणेश हंसदा की, उस धरती पुत्र की, उस झारखंड पुत्र की, जिनका जन्म सन 1997 ईस्वी में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बाहरगोड़ा प्रखंड के कोसाफलिया गांव में हुआ था। पिता श्री सुभदा हंसदा, माता काकरी हंसदा और एक बड़े भाई दिनेश हंसदा। बचपन से ही जुनून था जिसके अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, उस गणेश हंसदा की आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। श्री सुभदा हंसदा गांव के एक आम किसान थे, डेली मजदूरी किया करते थे। बड़े भाई गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे। बचपन इनके बहुत तकलीफ और कष्टों से बीता। किसी तरह से ये मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई पूरी कराए। इनके पिता और इनके भाई ने इनके पढ़ाई को पूरा कराया। सन 2015 में इन्होंने किरकुजी हाई स्कूल से, उत्क्रमित हाई स्कूल से इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया। मैट्रिक में फर्स्ट प्रथम श्रेणी प्राप्त किए। इनके दोस्त बताते हैं कि इनको बचपन से ही इंडियन आर्मी जाने का बहुत बड़ा जुनून था, बचपन से ही फौज में शामिल होने का जुनून था। वो जुनून पूरा होने का मौका मिला इनको 2015 के बाद। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में इंटर में दाखिला लेने के लिए वहां पे चले गए, साइंस में दाखिला ले लिए, साथ ही साथ एनसीसी ज्वाइन कर गए। एनसीसी ज्वाइन कर गए लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज से। वहां से इन्होंने इंडियन आर्मी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 3 साल कठिन तैयारी इनका एनसीसी का चला। इसके बाद इनको मौका मिला रांची में, डायरेक्ट बहाली हो रही थी इंडियन आर्मी की, डायरेक्ट बहाली में इनको मौका मिला। इन्होंने मौका देखा और कूद पड़े, वहां पे इनकी सफलता मिल गई, इंडियन आर्मी में इनकी ज्वाइनिंग हो गई। 2018 में इनकी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी में हुई थी, 16 बिहार बटालियन के, बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार बटालियन में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उससे पहले इनको ट्रेनिंग के लिए 9 मंथ के लिए दानापुर भेजा जाता है। दानापुर में कठिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 दिसंबर 2019 में ये घर वापस आते हैं 2 मंथ के छुट्टी के लिए। त्यौहार का मौका था, मकर संक्रांति पर्व का मौका था, सोहराय पर्व का मौका था, उस मौके पे ये 2 मंथ के छुट्टी के लिए घर वापस आए थे। माताजी परिवार बहुत खुश थे, बेटा के लिए दुल्हन की तलाश किया जा रहा था। अभी इनकी विवाह नहीं हुई थी, दुल्हन की तलाश चल रही थी, माताजी दुल्हन खोज रहे थे। वतन फ्रस्ट गणेश हंसदा को दुल्हन तो वतन को बनाना था, माताजी दुल्हन की तलाश कर रही थी। इसके बाद इनकी प्रथम पोस्टिंग लद्दाख में दी जाती है, इनको प्रथम पोस्टिंग लद्दाख में दी जाती है। लद्दाख चीन और भारत के बॉर्डर का वो रेखा है जहां पे चीनी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जहां पे चीन और भारत के बीच में तनाव टेंशन बना हुआ था। गलवान घाटी में एक ब्रिज का निर्माण को लेकर के तनाव बना हुआ था भारत और चीन के सेनाओं के बीच में, उसी समय की बात है। ये बात है 15 जून 2020 की, जब रात के समय में चीनी गतिविधि देखा गया गलवान घाटी के बॉर्डर के सामने, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भारतीय सेना के 16 बिहार बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे गणेश हंसदा के, सिपाही कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने फैसला लिया कि जाके चीनी से बात करेंगे कि LOC के उल्लंघन वो ना करे, सीधी बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं, बात करेंगे, समझाएंगे। ये हम भारतीयों की आदत होती है कि पहला हाथ हम नहीं उठाते हैं और दूसरा हाथ उठने नहीं देते, उखाड़ फेंकते हैं। बात करने गए थे कर्नल संतोष बाबू, बात विवाद बन गई, हाथापाई पे उतर गए, हाथापाई पे बात चल गई, हाथापाई झड़प होने लगा, वो झड़प विद्रोह बन गया। विद्रोह जब देखा गणेश हंसदा और उनके 18 बटालियन के 18 महान सैनिक सिपाही, वो भी कूद पड़े। कहते ना, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर फरोसी मतलब सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है, देखने हैं जोर कितना बाजुए कातिल, देखते उसमें जोर कितना है। सर कटाने की तमन्ना तो दिल में हमारे, जी हाँ दोस्तों। तो कूद पड़े गणेश हंसदा और उनके 18 और बटालियन, झड़प हुई घंटों भर उन दोनों सभी के बीच में, चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच में झड़प चलती रही। ये झड़प विद्रोह बन गया। चीनी तो तैयारी करके आए थे हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, वो तैयारी रॉड से हमला कर दिया कर्नल संतोष बाबू पे। जैसे ही रोड पे हमला किया, सभी आपस में झड़प चली, 2 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू झड़प चलता रहा, बुरी तरह से घायल हो गए सिपाही गणेश हंसदा और 18 बटालियन के साथ साथ कर्नल संतोष बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। उस घायल अवस्था में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। शहादत को प्राप्त किए 20 महान शहीद जवान गलवान घाटी में।
ऐसे गणेश हंसदा को पूरा देश करता है सलाम। उस गणेश हंसदा की मैं बात करूंगा दोस्तों, जिनका पार्थिव शरीर को जब पूर्वी सिंहभूम में लाया गया पूरा देश रोया, लेकिन गर्भ से सीना भी चौड़ा था। देश की आंखों में आंसू था, सिकन था, दुख था, लेकिन गर्भ से सीना भी चौड़ा था कि देश के लिए चीनी से लोहा लिया और चीनियों को मार भगाने और उस गतिविधि को रोकने में सफल हुए। हमारे देश के जवान शहीद हो गए, निछावर हो गए, प्राण निछावर दे दिए देश के प्रति। वैसे महान शहीद जवानों को मेरा सत सत नमन, 18 सभी जवान को मेरा सत सत नमन। वह पूरे देश, पूरे झारखंड और पूरे बिहार बटालियन और सभी रेजिमेंट के सभी सिपाहियों को उस महान देश भक्त गणेश हंसदा और उनके 18 बटालियन साथ ही साथ संतोष कर्नल संतोष बाबू पे, उस महान अमर शहीदों पे हमें गर्व है। इस वीडियो को आप गर्व के साथ में शेयर करिएगा, आप गर्व के साथ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि हर घर में ऐसे ही सिपाही जन्म ले, ऐसे ही देशभक्त जन्म ले गणेश हंसदा के जैसे, जो भारतीय सेना को ज्वाइन करे और दुश्मनों को मार भगाने और दुश्मनों को छक्का छुड़ाने में सर कटाने से ना झुके ना रुके, बस टूट पड़े। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा, ताकि देशभक्ति की राग, देशभक्ति का ज्वाला हर किसी के सीने में भड़के। जब आग होगी सीने में तभी तो मजा आएगी जीने में। जी हाँ दोस्तों, मैं मिथिल सर स्वागत करता हूं आप सभी के इस चैनल में। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही अपडेट मिलता रहे। सलाम को दोस्तों को जोहार, जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हो।